हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की पोयम है थॉट, जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ और इसके पोएट हैं कॉट स्किने। इस पोयम में बताया गया है कि किस तरीके से जो बारिश है, जब वो छत पर टपकती है तो उसकी साउंड किस तरीके से वो फील करता है यहाँ पोएट। क्योंकि इस साउंड को सुनकर पोएट की जो पुरानी मेमोरी है वो वापस आ जाती हैं, उसकी पुरानी यादें जो है ताजा हो जाती हैं। यही जो है हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टैंजा फर्स्ट। When the humid shadows hover over all the starry sphere and the maniple darkness gently weep in rainy tear, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listen to the patter of the soft rain overhead। और इसमें जो है पोएट बताना चाहता है कि जो ह्यूमिड शेडो है, यानी जो मोशे से भरे हुए जो बादल हैं, वो पूरे के पूरे जो स्टारी स्फीयर को जो है उन्होंने ढक लिया है, और जो डार्कनेस है, मैनिकली जो डार्कनेस हुई हुई है, वो जो है धीरे धीरे आंसू से रो रही है बारिश के रूप में। और यहाँ जो पोएट है अपने कॉटेज चैम्बर में बेड पर अपनी तकिया को अपने पास पकड़े हुए और लेटे हुए जो है बारिश की टिप टिप होती हुई बूंदों को सुन रहा है। छत पर जो टिप टिप बारिश की बूंदें टपक रही हैं, उसके म्यूजिक को वो फील कर रहा है, उसको आनंद आ रहा है। स्टैंजा सेकंड। एवरी टिंकल्स ऑन द शिंकल हैज एन इको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसी इनटू बिजी बीइंग स्टार and a thousand recollections weave their air thread into woof as I listen to the patter on the rain upon the roof। और स्टैंजा में पोएट बताता है कि जो छत पर टपक रही पानी की बूंदे हैं, उन बूंदों से जो साउंड हो रही है उनकी जो गूंज है वो सुन सकता है, और उन बूंदों के थ्रू जो बूंदे टपक रही हैं उसकी साउंड की वजह से उसके मन में, जो बिजी मन हमेशा रहता है, उसमें छोटे छोटे सपने जो हैं बुन रहे हैं और कुछ पुरानी यादें जो हैं ताजा हो रही हैं। और बारिश की जो ये बूंदे हैं छत पर टप टपक कर जो वॉइस कर रही हैं उसको वो सुन रहा होता है, उसको फील कर रहा होता है उसकी साउंड को। और उसे जो है ये साउंड बहुत ज्यादा प्लीजेंट लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इस साउंड ने उसकी पुरानी यादों को, उसकी पुरानी मेमोरी को ताजा कर दिया है। स्टैंजा थर्ड। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर एज शी यूज इन ईयर एल्गोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ट्रेनर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द टाउन। ओ आई फील हर fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingle by the patter of the rain। और इस stanza में poet कहते हैं कि जो बारिश की बूंदों की वजह से मेरे मन में जो sound हो रहा था उससे मेरी जो पुरानी memory ताजा हुई है, उसमें जो है मेरी mom आती हैं, जो कि बहुत साल पहले जो मेरी मेमोरी जो थी उसमें आया करती थी। यानी उसकी मॉम जिस तरीके से, जब वो अपने मॉम के साथ होगा तो जब वो उसकी मॉम उसके साथ बारिश जब हो रही होती तब तो उसके साथ जैसे बिहेव करती होंगी, तो उसको उनकी याद आ रही थी और वो कहती उनके सपनों में जो है वो चली आती हैं। यहाँ पोएट जो बोलता है वो कहता है कि उनकी जो प्यार भरी नजरें हैं, उसकी मॉम की जो अपने बच्चे को लेकर प्यार भरी नजरें हैं, उसको है ऐसा फील हो रहा है कि ये जो साउंड है ड्रॉप्स की वो उनकी प्यार भरी जो है एक एटीट्यूड है उसकी तरफ, उनका प्यार झलकता है उस बारिश के गीतों में। इस वाले स्टैंजा में पोएट सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं उनकी साउंड से उनकी जो मॉम की मेमोरी है वो वापस आ गई है,
उनकी मॉम के साथ बिताए हुए जो पल हैं इस साउंड के थ्रू जो है वापस आ गए, उसको ऐसा फील हो रहा है और उसको लग रहा है जो ये बारिश की बूंदों का जो गीत है या जो साउंड है वो उनकी मॉम का प्यार भरा जो है एक एहसास है जो इस साउंड में उनको फील हो रहा है।